अस्सलाम वालेकुम, थैंक्स। बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। आज मेरा केस लगा हुआ था, जैसे कि मैंने आपको बताया था, ये मैं अपनी कल की वीडियो में CPD 417/22 ये वो पिटीशन है जो मैंने अपने जौहर वाले प्लॉट पे लगाई थी अपनी मदर के नेम से थ्रू अटॉर्नी बनकर। आज फिर उसमें मुझे डेट मिल गई, क्योंकि अपोजिट पार्टी रिस्पॉन्डेंट नंबर 10 ब्रीफ होल्ड करवाने आए थे, बाकी किसी ने जवाब नहीं दाखिल किया, सिर्फ पुलिस वालों का जवाब आया। उसमें लिखा हुआ है कि मेरी मदर का नाम लिस्ट में मौजूद है, मेरी मदर ओरिजिनल अलॉटी है, ओरिजिनल प्लॉट की मालिक है, और इसके बाद कोई आगे ट्रांसफ़र नहीं हुआ है। उसमें पुलिस वालों का जवाब जमा है, बाकी किसी का जवाब जमा नहीं है। ये पिछले 1.5 साल से जवाब जमा है पुलिस वालों का, और 1.5 साल से बाकी किसी ने जवाब जमा नहीं कराया। इसमें मैंने जो रिस्पॉन्डेंस बनाया, अपोजिट पार्टी जो को बनाया, उसमें मेरे रिश्तेदार भी शामिल हैं, मेरे ननियाल वाले भी हैं उसमें शामिल, कुछ स्टेट एजेंसी वाले हैं, क्योंकि पूरी मिली भगत से हमारे प्लॉट पे कब्जा किया गया। इधर इस घर में जिसमें हम रहते हैं, यहाँ दीवारें तोड़ के घुसे मेमन माफिया के साथ मिलकर, और मैं कह रखा और उधर प्लॉट पर कब्जा कर रखा। मैंने आपको कहा था पिछली वीडियो में मैं सारिम बंडी के बारे में बताऊँगी, इसमें सारिम बंडी भी इन्वॉल्व है। आज फिर मुझे डेट मिल गई, डेट पे डेट मिल रही है। ब्रीफ होल्ड करवाने आया, ब्रीफ होल्ड तो हुआ नहीं, पर उस पर आगे फिर दूसरा ब्रीफ होल्ड तो हुआ नहीं क्योंकि मैं कंटिन्यूसली चला रही थी। दूसरा फिर वही लॉयर आता है आफ्ता, वो कहते हैं कि इन्होंने झूठ बोल के ऑर्डर लिया था सर, उसमें मैंने उस ऑर्डर को सस्पेंड करवा दिया। आपने झूठ किस बेस पे आप सस्पेंड करवा रहे हैं जजेस को? आप झूठ बोल रहे हैं क्योंकि आप लॉयर माफिया हैं। आप लोग सब जजेस के रूम में चले जाते, धौंस धपड़ी करते और फिर कहते हैं इस ऑर्डर को सस्पेंड करो। आप जो करप्ट लॉयर्स हैं, आप लोग ये करते हैं, उनको डराते धमकाते हैं करप्ट लॉयर्स, और कहते हैं इस ऑर्डर को सस्पेंड करो, इसको डिसमिस करो, इसको अलाउ करो, अपनी मर्जियाँ चलाते हैं आप लोग। मेरा जो आज भी मेरी इस केस, और जजेस को कहते इसमें ऑर्डर मत करना, टालते रहो इनको, आज भी मुझे डेट मिल गई। मुझे नहीं पता अकील अहमद अब्बास, जस्टिस अकील अहमद अब्बासी और जस्टिस महमूद अमान को क्या बोला गया था, मगर आज भी मुझे डेट मिल गई। मेरे पिटीशन पे ऑर्डर नहीं हुआ, रिस्पॉन्डेंट का जवाब नहीं दाखिल हुआ, और जब मैंने बोला सर इनसे जवाब तो इनका जवाब कहाँ है इसमें, तो उन्होंने पूछा तो कहते कि सर आई अपोलोजाइज दफाई, कह रहे आई अपोलोजाइज। तो ये मुझे बताएं, एक लॉयर होके, वो भी हाई कोर्ट का लॉयर होके, तो एक सिटी कोर्ट के लॉयर को भी पता है, एक लॉयर लॉ का जो स्टूडेंट होता है उसको भी पता होता है कि हर चीज़ रिटन में होती है, चाहे वो सिटी कोर्ट हो या हाई कोर्ट हो, जबानी क्या होता है, हर चीज़ रिटन में होती है ना, तो क्या उसको नहीं पता? आज वो कह रहे आई अपोलोजाइज सर, मैंने अभी तक जवाब नहीं दाखिल किया। 1.5 साल से तुमने जवाब नहीं दाखिल करा, 1.5 साल हो गया, तुम पिटीशन में अब अपीयर नहीं हो रहे रिस्पॉन्डिंग नंबर 10 की तरफ से, और जो गवर्नमेंट लॉयर्स हैं और जो बाकी के लॉयर्स हैं और जो बाकी के पार्टी लोग हैं, 1 साल से अपीयर हो रहे। आई अपोलोजाइज, ये तो कोई तरीका नहीं है ना, 1 साल में आपने लास्ट चांस ये नहीं, उसको अलाउ करा ही नहीं मेरी उसको, और फिर आप उसको फिर चांस दे रहे, या फिर आप ऑर्डर कर देते तो फिर वो कहता झूठ बोल के ऑर्डर ले लिया। अब मैं फिर वो सस्पेंशन ऑफ ऑर्डर की एप्लीकेशन लगाता, जिस तरह उसने मेरे जो जस्टिस जुल्फिकार अहमद खान ने मेरे जौहर वाले प्लॉट के लिए मिसलेंस अपील 106/22 में ऑर्डर दिया था, उसको उसने मैंने कंटेम्प्ट लगाई ऑफिशियल साइनिंग पे, जो ऑफिशियल साइनिंग ने बदतमीजी कर दी और कहा था तुमको जेल भिजवा दूंगा और मैं ये काम नहीं करूंगा, तुम्हारा प्लॉट नहीं है, तुम झूठ बोल के ले, क्योंकि उसने मुझसे 50,000 रुपये पहले मांगे थे ऑफिशियल साइनी ने अपने बंदे के जरिए से, और ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स मांगे थे लीज के जो माफिया के हाथ नहीं लगे, क्योंकि वो अल्लाह की हिफाजत में थे इसलिए वो उनके हाथ नहीं लगे जौहर वाले प्लॉट के। वो फाइल उठा के लेके गए हमारे शेयर सर्टिफिकेट्स की, अलॉटमेंट सर्टिफिकेट्स की, और पूरी प्लॉट की फाइल, पर लीज का डॉक्यूमेंट जो रजिस्टर्ड कन्वेंस डी रजिस्टर्ड लीज है सेंट्रल रिकॉर्ड से 1989 की, जो सोसाइटी ने खुद एग्जीक्यूट करवाई मेरी मदर के नेम पर, वो उनके हाथ नहीं लगी, जिसके लिए वो हमें डरावे धमकावे दे रहे थे और हमें और दूसरे तरीक़ों से भी डराया धमकाया, हमें हर तरीके से परेशान कर रखा है। तो मुझे ये बताएं
वो मैंने कंटेम लगाई 11 अप्रैल 2023 को 7/3/2023 के ऑर्डर पर कि ऑफिशियल साइन ही नहीं कर रहा। मुझे डेट मिल गई 3/5/2023 मिसलेनियस अपील 106/22 में। मेरे डेट लेते ही दूसरे दिन रिस्पॉन्डेंट नंबर 2 जो कभी अपियर ही नहीं हुआ था कोर्ट में, उसने नाजिर को भी बोला था हम कोर्ट में अपियर होकर डॉक्यूमेंट्स जमा करा देंगे, पर नाजिर को कोई डॉक्यूमेंट्स नहीं दिखाया, इवन CNIC तक नहीं दिखाया था, ना यूनुस गुमान ने ना उसकी अटॉर्नी ने, हालांकि ये प्लॉट पर मौजूद थे। इसके बाद वो अब अपियर हो रहे हैं जब ऑर्डर हो देखे 1 महीने बाद, वो भी लॉयर डाल रहे किसी और अटॉर्नी के जरिए, यूनुस गुमान नहीं आया ना, वो आया जो सिटी कोर्ट गया था जरजान के नाम से, कोई और आ रहे खतीब, वो डाल रहे सस्पेंशन ऑफ ऑर्डर की अप्लीकेशन 12-2 और 39 अंडर सेक्शन 182 स्टे की, क्या आप ये स्टे नहीं कर सकते, इसको सस्पेंशन, इस ऑर्डर को सस्पेंड किया जाए। क्यों भाई, आपने कोई टाइटल डॉक्यूमेंट जमा कराया और अर्जेंसी ली 12 अप्रैल 2022 की परमिशन ली। जज का क्या काम था, उसी डेट को मेंटेन रखता जो मुझे डेट दी थी 3/5/2023। इन्होंने क्या करा, 14 अप्रैल 2023 दी, 2 दिन के बाद की डेट, और नोटिसेस करे। नोटिसेस तो मुझे पहुंचे ही नहीं बेलिफ के थ्रू, उसमें उसने लिख दिया रिपोर्ट में कि ना मुकम्मल एड्रेस, क्योंकि वो तो पहुँचाएगा ही नहीं, क्योंकि वो सबके तो कोर्ट के क्लर्क अच्छी तरह जानता है कि किसने कब्जा करा है, असानुल्ला जिसने जब इसने सूट लगाया, क्योंकि वो तो पूरी प्लानिंग थी कि इनको नोटिसेस नहीं पहुँचानी वरना यहाँ की खड़ी हो जाएंगी, बता दी सर जज को, और फाइल में लगी है सारी चीज़ें। उन्होंने क्या लगाया कि हमने सूट लगाए हुए और इन्होंने पिटिशन लगाई हुई है, तो सूट और पिटिशन को टाइटल डॉक्यूमेंट नहीं होता, टाइटल डॉक्यूमेंट ये होता है आपकी लीज। सूट में जाती हूँ 2025/21 जब हमें कैद करा तो वो लगाया भाई लीज कैसे करवाने के लिए, हमने उसमें ऑर्डर 7/11 डाल दिया, हाईकोर्ट ने भी मदर को पार्टी बनाया था, उसमें ऑर्डर 7/11 हमने डाली, तो उसमें ऑर्डर नहीं दे रहे हैं, वहाँ कहा जाता है पिटिशन लगी हुई है, पिटिशन में जाती हूँ अपनी जो मैंने लगाई हुई है, वहाँ कहा जाता है सूट लगा हुआ है, सूट टाइटल डॉक्यूमेंट है इनका क्या ये मुझे बताया जाए। अब ये ऑर्डर हो गया तो उसमें कहा जा रहा है कि सूट लगा हुआ है, पिटिशन लगी हुई है, आप ऑर्डर नहीं दे सकते, ऑर्डर सस्पेंड किया जाए, और 2 दिन बाद की डेट उसको देखकर ऑर्डर सस्पेंड कर दिया गया। क्यों 3/5 जब डेट थी वो उसको मेंटेन क्यों नहीं रखा गया, आप कह देना जाओ बीबी हमने नहीं देना तुम्हें, भाड़ में जाओ तुम, हम नहीं दे सके। वो हाई कोर्ट के एक ऑर्डर की वजह से जो तेरा सूट जो हमने लगाया हुआ था अपने इस घर के लिए जिसमें हम रहते हैं 13/26/2012 जिसमें डिबार लोगों को सिक्योरिटी प्रोवाइड कर दी जस्टिस हसन अजहर रिजवी ने, एक ऑर्डर की वजह से वो भी 7 साल 10 महीने बाद उस ऑर्डर को लेके आ रहे हैं वो, और जज ने जानबूझकर उस पर सिक्योरिटी प्रोवाइड करी दोबारा घुसवाने के लिए जिसमें हम रह रहे थे, वो घर भी हमसे छीनने के लिए, हमारा सब कुछ लुटवा दिया, सब कुछ दांव पे लगवा दिया हमारा। अब हाईकोर्ट हमें देने को तैयार नहीं है, एक जज ने ऑर्डर करा जस्टिस जुल्फिकार अहमद खान ने तो जस्टिस सलाउद्दीन पवन ने उसको सस्पेंड कर दिया। क्यों आप कह देना हम नहीं दे सकते आप लोगों को, यह तो जस्टिस सलाउद्दीन पवन की बहुत इज्जत करती हूँ मैं, मुझे तो हैरानी हो रही है उन्हें ये क्यों करा, क्या देख के करा, उसने कोई डॉक्यूमेंट ही नहीं जमा कराया उस एप्लीकेशन के साथ 12-2 के साथ और रूल 39 सेक्शन 192 के साथ, उन्हें कैसे कर दिया सस्पेंड ऑर्डर, ऑफिशियल साइनी कह रहा है, मैंने बदतमीजी करी, ऑफिशियल साइनी पैसे मांग रहा था मुझसे, शेयर मांग रहा था, कह रहा था ना तुम तो कब्जा करके बैठी हो, लीज ओरिजिनल लीज मांग रहा था मुझसे, मैंने नहीं दिया तो मैं कब्जा करके बैठी हूँ, मैं काम नहीं कराऊंगा तुम्हारा, ऑब्जेक्शन आया है, और आज वो अपियर हो रहे हैं ऑर्डर होने के बाद, हालांकि नाजिर कोर्ट में लिखा है कि वो वहाँ थे और उन्होंने कहा था कोर्ट में अपियर हो जाएगा, पर वो नहीं हुए थे, कोर्ट मुझे हमें देना नहीं चाहती हमारी चीज़ें, सब कुछ बटवा दिया और फिर उसको चलाने के चक्कर में और डेट पे डेट दे रहे हैं हमें। क्यों मेरे बाप की क्या फैक्ट्री लगी है, मेरा बाप फैक्ट्री छोड़ के गए, लो बेटा लेती रहो पैसे निकालती रहो और कोर्ट आते रहे के चक्कर लगाती रहो, या हमारी कोई फाइनेंशियल मदद कर रहे या मेरे को बीक में दे रहे, किसी ने 1 रुपये तक की मदद नहीं करी हमारी, और जो सारी मनी ने हमें गाड़ी प्रोवाइड करी थी शुरू शुरू वो भी हमारे से करोड़ों रुपए का प्लॉट डोनेशन में लिया था इसने कोरंगी इंडस्ट्रियल एरिया का। आज मैं आपको बताती हूँ इसकी नियत और प्रॉपर्टीज पर ख़राब हुई, इसने अब बंदे घर में भेजने शुरू कर दिए,
रात दिन बंदे घर पे आते हैं, सामने पुलिस मोबाइलें खड़ी रहती है, उनकी मौजूदगी में घर पे आते हैं, उनकी शहर पे आते हैं, पुलिस वाले रात दिन खड़े रहते हैं, दो दो मोबाइलें खड़ी रहती हैं, सामने सिक्योरिटी नहीं कर रही, रेकी कर रहे हैं, रेकी करते हैं, हमारे पीछे हम जान निकलते हैं, बंदे आते हैं। और आप मेरे पास बताए क्या खजाना भरा पड़ा है, मैं कोटों के चक्कर लगाती रहूँ, ताकि खौफ करें आप लोग, कहते जाओ बीबी हम नहीं दे सकते तुमको, जो मरो भागने चली जाओ तुम लोग, इज्जतें भी लुटवा दो, मुझे बता दे आप लोग चाहते क्या है, सब कुछ तो छीन लिया है कोर्ट ने हमसे, सब कुछ छीन लिया, जो हमारा किराया आ रहा था वो तक रुका पड़ा है, पर फ्लैट होगा, मैं नौकरी पे थी मेरी नौकरी तक छुड़वा दी, और क्या चाहते हैं आप लोग, धंधे पे बैठे हैं हम, बताए क्या चाहते, कुछ तो खुदा का खौफ करे हम लोग, अल्लाह के खौफ से डरे, अल्लाह के अजाब से डरे, क्योंकि यतीम की बदुआ जरूर लगती है, और बेकसूर की और मजलूम की, अब हम ऐसा कर क्या रहे, जो ऑर्डर सस्पेंड करे जस्टिस सलाउद्दीन पवार ने, मैं उसके खिलाफ कल रिव्यू में जा रही हूँ अर्जेंसी लेकर, मैं रिव्यू लगाने जा रही हूँ कल अर्जेंसी लेकर, परमिशन लेकर, यहाँ अलग पे तंग किया जा रहा है, और मैं आपको करना होगा मेरा ऑर्डर मेंटेन, मेरा प्लॉट सेल करा के देना होगा, क्योंकि ये प्रॉपर्टी सिंध हाई कोर्ट के अंदर आती है, सिंध हाई कोर्ट का नाजर जाएगा तो ये सेल हो सकती है, वरना नहीं सेल हो सकती, ये आप लोग भूल जाएं, चाहे वो जजेस हो, लॉयर्स हो या माफिया, कि मैं आप लोगों की सकात खैरात के पैसे ले लूँगी प्लॉट के लिए अपने, कि भाई इनको 10-20 लाख दे दो या 50 लाख दे दो, बहुत है इनके लिए, क्या करेंगे ये, इनको क्या ज़रूरत है, इनको क्या ज़रूरत है, बहुत है इनके लिए, ये आपकी खाम ख्याली है, मैं आगे जाऊँगी, मेरे पास पैसे नहीं थे, मेरे अल्लाह ने बंदोबस्त करा खाने पीने का, मेरा किसी ने मेरी मदद नहीं करी, गायब से मेरी मदद हुई अल्लाह की तरफ से, मेरे बाप की कोई फैक्ट्री नहीं खुली हुई है, ठीक है, हम कितने परेशान हैं ये सब हम जानते हैं, उस पर आप लोगों का ये हाल है कि हमें बार बार चक्कर खिलवा रहे, फोटो के जानकर हमें तंग किया जा रहा है, शर्म आनी चाहिए आप लोगों को, शर्म, लॉयर आते लगाते जज फौरन वो कर देता है, अरे आप लोग लॉयर्स हो क्या हो, ये लॉयर्स आप जजेस इन लॉयर्स का कहना मान लो क्या है, हम पिटीशन में अपीयर हो रहे थे ना, एमिसलियस अपील में अपीयर हो रहे थे ना, ये तो नहीं हो रहे थे, बोले 11 को मैंने लगाई, 11/4/2023 और 12 को उसने लगा के नोटिस करवाया, नोटिस नहीं भिजवाया गया पूरी प्लानिंग से, और 14 को हमने डेट दी थी 2 दिन बाद की, जब मैंने आपसे शॉर्ट डेट मांगी तो आपने मुझे 3 मई दी, जब वो 3 मई थी तो आपने उस डेट को मेंटेन क्यों नहीं रखा, आपको वही डेट मेंटेन रखनी चाहिए थी, आपको पूछना चाहिए था ये क्या है, 417 में स्टे मिला हुआ है रिस्पोंडेंट्स को कि वो नहीं बेचेंगे मेरा प्लॉट, मेरा मतलब है कि 417 स्टे मिला हुआ है हमें रिस्पोंडेंट्स के लिए, उसमें लिखा हुआ है रिस्पोंडेंट्स विल नॉट क्रिएट थर्ड पार्टी इंटरेस्ट, कि रिस्पोंडेंट्स नहीं बेचेंगे, थर्ड पार्टी इंटरेस्ट क्रिएट नहीं करेंगे, मतलब कि रिस्पोंडेंट्स नहीं बेचेंगे, हमारा प्लॉट है वो, और लीज एग्जीक्यूट करवाइए सोसाइटी ने मेरी मदर के नाम पे 1989 में, वो पक्की लीज है, उस ऑर्डर में लिखा हुआ है 29/3/2022 का ऑर्डर है वो, तो वो तो रिस्पोंडेंट्स के लिए है कि वो नहीं बेचेंगे, हाई कोर्ट के लिए थोड़ी ऑर्डर है, हमारे लिए थोड़ी ऑर्डर है कि हम नहीं बेचेंगे, और जो मिसलेस अपील में सेल का ऑर्डर हुआ था उसमें खाली सेल का ऑर्डर नहीं हुआ था, उसमें ABN केस भी सस्पेंड किया था, ABN अवार्ड जो इन्हें फैब्रिकेटेड बनाया था कि शेख अमीरुद्दीन का है और GH रहमान की लीज कैंसिल कर रहे हैं हम, वो कौन होते हैं रजिस्ट्रार कोऑपरेटिव सोसाइटी हमारी लीज कैंसिल करने वाला और बोलने वाला कि शेख अमीरुद्दीन का है, शेख अमीरुद्दीन को अलॉट हो गया, अब यूनुस कमान को हम अलॉट कर रहे हैं, बगैर कोई डॉक्यूमेंट देखे यूनुस कमान को अलॉट कर रहे हैं, यूनुस कमान के नाम का तो कोई वो ही नहीं है, टाइटल डॉक्यूमेंट ही नहीं है, जब तो सिटी कोर्ट से डिसमिस हुई थी उसकी एग्जीक्यूशन एप्लीकेशन, कि उसके नाम का कोई टाइटल डॉक्यूमेंट नहीं है, हम तो सिर्फ इस बात पे गए हाई कोर्ट आए थे कि शेख अमीरुद्दीन का नाम उसने ऑर्डर में लिखा है और ABN केस और ABN अवार्ड सेटिस्फाइड हो सस्पेंड हो, आपने तो पूरा ऑर्डर ही सस्पेंड कर दिया, ABN अवार्ड को भी आपने फिर से उजागर कर दिया,
फिर से उजागर कर दिया आपने एबीएन अवार्ड को, जो जस्टिस ज़ुल्फ़िकार अहमद खान ने सस्पेंड किया था, सेट असाइड किया था एबीएन अवार्ड को। ये क्या करा आपने? मैं तो आपकी बहुत इज्जत करती हूँ। कोई भी ये मत समझे, चाहे जजेस हों, मैं ऑर्डर ये ऑर्डर लेके सुप्रीम कोर्ट जाऊँगी, ये मत समझेगा मैं यहाँ रुक जाऊँगी, चाहे मुझे इसके लिए कहीं से भी पैसे हासिल करने पड़े। मेरा अल्लाह मौजूद है, वो मुझे देगा हर हाल में, क्योंकि मैंने इस केसेस के लिए इस्तखारा लिया है। मैं ऐसे नहीं खड़ी हुई है जाके कोर्ट में, इस्तखारा लिया है। ये मेरे पर वक्ती है जो ये आई ये बात कि ऑर्डर सस्पेंड हो गया, ये हो गया, ये वक्ती आया है। मैं आखिर में तक मेरी जीत है और होगी इंशाल्लाह ताला हमारी जीत, क्योंकि मैंने इस्तखारा लिया है। हाँ जी। और इस्तखारे मैंने इस्तखारा लिया है और मेरा अल्लाह मुझे देगा पैसे। मेरी आज तक किसी ने मदद नहीं करी। करो जरूर जाऊंगी सुप्रीम कोर्ट ये ऑर्डर लेकर और जीत। अगर ये मेरी रिव्यू ऑफ एप्लीकेशन, रिव्यू ऑफ ऑर्डर की एप्लीकेशन पे इसको रीमेंटेन नहीं करा ऑर्डर को जजेस ने, जज ने जस्टिस सलाउद्दीन पवार ने, तो मैं इस ऑर्डर को लेकर सुप्रीम कोर्ट जाऊंगी। मैं छोड़ूंगी नहीं, मैं यहाँ नहीं बैठूंगी। मुझे अपनी इज्जत भी बहुत प्यारी है, जिस अल्लाह ने मेरी इज्जत की हिफाजत करी ना, वो अब भी करेगा, वो अब भी करेगा। मेरी बहन की इज्जत की हिफाजत करी उन 17 दिनों में, वो अब भी करेगा, वो अब भी करेगा हमारी इज्जत की हिफाजत जिसने उन 17 दिनों में करी। मैं प्रॉपर्टी इसको नहीं छोड़ूंगी, मेरे बाप की हक हलाल की कमाई है, उसकी मेहनत की कमाई है, नमाज पढ़ने हक हलाल की कमाई है, उसकी मेहनत की कमाई है। इसमें किसी का कोई वरिष्ठ का नहीं है, और वरिष्ठ का अगर होता, जो लोग कहते हैं ना हमारा वरिष्ठ बनता है, हमारा वरिष्ठ बनता है, अगर वरिष्ठ का होता तब भी मेरे बाप का होता और हमारा बनता, हमारा होता वो। अगर है तुम लोगों का बनता है, कहीं से निकलता है, तो जाओ जाके चैलेंज करो, जाओ जहाँ दे चाहे चैलेंज करो, चैलेंज करो, जाओ जल्दी करो। ये मेरे बाप की मेहनत की कमाई है, मेरे बाप के खून पसीने की कमाई है। ये आपको ये ऑर्डर रीमेंटेन करना होगा, वरना फिर मैं सुप्रीम कोर्ट जाऊंगी। थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफिज़।